की लोकप्रियता को देखते हुए वर्ष 2021 में 30,000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया जाएगा, जिसके लिए 91 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। राजस्थान कृषि क्षेत्र में सोलर पंपों की स्थापना में देश में प्रथम है। कृषि में सौर ऊर्जा के प्रयोग की अपार संभावनाओं को देखते हुए वर्ष 2021 में 25,000 सोलर पंप लगाए जाएंगे, जिस पर 267 करोड़ रुपये खर्च होंगे। वर्ष 2021 में 2,00,000 टन यूरिया व 1,00,000 टन DAP के अग्रिम भंडार हेतु राज्य सरकार द्वारा 30 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा। उन्नत बीज की मांग को देखते हुए राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा प्रमाणित बीज का उत्पादन 8,00,000 क्विंटल से बढ़ाकर 12,00,000 क्विंटल किया जाएगा। साथ ही निगम के बीज वितरण आउटलेट स्थापित करने के लिए 200 मंडी प्रांगणों में चरणबद्ध रूप से निःशुल्क भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे। खजूर की खेती के लिए बढ़ते रुझान तथा इससे होने वाले उच्च आय को देखते हुए आगामी 4 वर्षों में जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, पाली, जालौर, सिरोही एवं झुंझुनू आदि जिलों के 1,500 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को खजूर की खेती में लाया जाएगा। प्रदेश में किसानों को किराए पर खेती संबंधी यंत्र उपलब्ध करवाने के लिए KVSS GSS के माध्यम से मांग के अनुसार 100 कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इस 8 करोड़ रुपये का खर्च होगा। किसानों को खेत के समीप कृषि उपज विपणन की सुविधा प्रदान करने के लिए चरणबद्ध रूप से 44 नए स्वतंत्र मंडियां पेड़ावा डग मनोथाना जिला झालावाड़, पोंगल रोड बीकानेर, कुशलगढ़ मांसवाड़ा, छिपाबड़ोद नारगढ़ एवं समरानिया जिला बारा, चौटन धोरीमन्ना गुड़ावानी जिला बाड़मेर, करौली डूंगला, चित्तौड़गढ़ डबली राठान, हनुमानगढ़ टाउन जिला हनुमानगढ़, कुमिर पहाड़ी भूसावन रूपवास जिला भरतपुर, सूरत सिटी पाली, अरनोद व दरियावा जिला प्रतापगढ़, बिजमाइला श्री गंगानगर, देवगढ़ राजसमंद, खंडार सवाईमाधोपुर, सलुम्बर उदयपुर, बगरू सांगानेर, शाहपुरा जिला जयपुर, मथाणिया जिला जोधपुर, मोहनगढ़ व रामगढ़ जिला जैसलमेर, जायल व खींवसर जिला नागौर, टोडा रायसिंह टोंक, गुलाबपुरा भीलवाड़ा, किशनगढ़ बास बहरोड, तिजारा गोविंदगढ़ अलवर, रामगढ़ एवं बानसू जिला अलवर एवं सांगोद कोटा में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही 100 नवीन गौण उपर मंडी समितियों की भी स्थापना की जाएगी। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में भी मंडियों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के अधीन एक नए डेयरी प्रौद्योगिकी एवं कृषि अभियांत्रिक संकाय की स्थापना की जाएगी। इससे तो 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाता है। किसानों की आय में वृद्धि, विपणन व्यवस्था में आधारभूत परिवर्तन, कृषि को जोखिम रहित बनाने, किसान एवं खरीदार के मध्य लाभकारी व्यवस्था स्थापित करने की दृष्टि से 2 नवीन अधिनियम राजस्थान राज्य कृषि उपज संवर्धन एवं सरलीकरण अधिनियम 2020 एवं राजस्थान कृषि उपज संविदा खेती एवं संविदा सेवाएं संवर्धन एवं सरलीकरण अधिनियम 2020 लाए जा रहे हैं। हमारी सरकार के द्वारा अध्यक्ष महोदय फसली योजनाओं में पारदर्शिता लाने एवं भेदभाव को खत्म करने के लिए ग्राम सहकारी समितियों के माध्यम से बांटे जाने वाले फसली ऋणों के वितरण के लिए सहकारी फसली ऋण ऑनलाइन पंजीयन एवं वितरण योजना 2019 लागू की गई है, जिसके तहत अब तक सहकारी बैंकों के द्वारा 22,00,000 से अधिक किसानों को 8,700 करोड़ रुपये से अधिक ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरित किया जा चुका है। ऋण वितरण की पारदर्शी व्यवस्था के फलस्वरूप अब तक सहकारी बैंकों के फसली ऋण से 8,00,000 से अधिक पहली बार सदस्य बने किसानों को 1,800 करोड़ रुपये का फसली ऋण वितरित किया जा चुका है। वर्ष पानी पी सकता हूँ सब काम मैं आपको पूछ के करना चाहता हूँ पूरे शरीर जी। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के द्वारा फर्जी ऋणों के में पारदर्शिता लाने एवं भेदभाव को खत्म करने के लिए ग्राम सहकारी समिति से मैंने पढ़ लिया। वर्ष 2021 में ब्याज अनुदान के रूप में केंद्रीय सहकारी बैंकों को 534 करोड़ रुपये के उपलब्ध कराए जाएंगे।
राज्य में आगामी 4 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से 2000 नवीन जीएसएस का गठन किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही आगामी वर्ष 500 चयनित पैक्स लैंप्स को विकसित कर इन्हें सौर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा। वर्ष 2020-21 में राज्य के चयनित जीएसएस, केवीएसएस और उपभोक्ता भंडारों में कुल 130 गोदाम बनाए जाएंगे, जिस पर 22 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है। पशुपालन प्रदेश के माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में अनुदानित दर पर कृत्रिम गर्भाधान हेतु सॉर्टेड सीमेन के उपयोग की योजना प्रारंभ की गई है। इस तकनीक के उपयोग से बछड़ों के बजाय बछड़ियों के पैदा होने की संभावना अधिक रहती है। परियोजना पर 10 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। पशुपालकों को नवीन तकनीकों एवं प्रबंधन की जानकारी देने हेतु 4000 पशुपालकों को राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। पशु चिकित्सालय रतनाड़ा जोधपुर के जर्जर भवन के पुनर्निर्माण हेतु 1 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा तीसरा संकल्प है महिला बाल वृद्ध कल्याण। गत वर्ष हमारे द्वारा घोषित 1000 करोड़ रुपये की इंदिरा महिला शक्ति निधि के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक रचनात्मक पहल की गई है। इस वर्ष महिला बालकों एवं वृद्धजनों के हितार्थ लिए गए तीसरे संकल्प के तहत किए जाने वाले कार्य सदन में के समक्ष रखे जा रहे हैं। महिला बाल विकास एक ही क्षेत्र में अलग अलग स्तर पर कार्य करने वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगी तथा ANM के मध्य बेहतर समन्वय तथा कन्वर्जेंस के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म A3 आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा सहयोगी और ANM ऐप विकसित किया जाएगा। इससे न केवल इनके मध्य बेहतर समन्वय होगा अपितु लाभार्थियों को भी समय पर समुचित सेवाएं प्राप्त हो सकेगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा साथियों के प्रशिक्षण हेतु SCM रीपा जयपुर राज्य में स्थित अन्य राजकीय संस्थाओं के माध्यम से व्यवस्था की जाएगी। साथ ही SCM रीपा जयपुर में इंदिरा गांधी महिला शोध संस्थान भी स्थापित किया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से लगभग 35 लाख से अधिक बच्चों, गर्भवती व धात्री महिलाओं, किशोरी बालिकाओं को लगभग 800 करोड़ रुपये की राशि से पोषाहार वितरित किया जाता है। इसमें पारदर्शिता लाने हेतु पोषाहार की गुणवत्ता बढ़ाने तथा उसमें विविधता लाने की कार्रवाई की जाएगी। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के लिए वर्ष 2020-21 में कुल 8,500,07,00,000 रुपये का प्रावधान किया गया है। हमारी सरकार द्वारा EWS को दिए जाने वाले आरक्षण की पात्रता की अव्यवस्था शर्तों और प्रक्रिया को हटाकर सिर्फ 8,00,000 रुपये वार्षिक आय की शर्त रखने का प्रदेश में व्यापक स्वागत हुआ है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्गों, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के उत्थान एवं कल्याण के लिए सुझाव देने हेतु मैं राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड के गठन की घोषणा करता हूँ। आपको जानकर प्रसन्नता होगी, आप लोग कुछ नहीं है क्या? कुछ तो ताली बजा दे करो। नेता प्रतिपक्ष ने कहा ये भी थक गई थी, वे थक तो थक गई थी। आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि प्रदेश में वर्तमान में 4,22,000 से अधिक बच्चे पालनहार योजना से लाभान्वित हो रहे हैं, जिस पर अगले वर्ष लगभग 450 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा। पालनहार योजना के 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके पात्र लाभार्थियों के लिए गत वर्ष जयपुर में एक पालनहार छात्रावास की घोषणा की गई थी। इसे आगे बढ़ाते हुए अब मैं प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर छात्रावास हाफ पे होम खोला जाएगा। बालक प्रदेश के सबसे मूल्यवान मानव संसाधन है। सरकार का दायित्व है कि हर बच्चे को सभी बाल अधिकार, खासकर बेहतर शिक्षा एवं स्वास्थ्य मिले। इसके लिए हमारे प्रथम प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू, आज भी बच्चे जिन्हें चाचा नेहरू कहते हैं, के नाम से 100 करोड़ रुपए के नेहरू बाल संरक्षण कोष के गठन की घोषणा करता हूँ। इसके अंतर्गत बच्चों की तस्करी, बाल मजदूरी जैसी अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने का कार्य भी किया जा सकेगा। कई बार माननीय अध्यक्ष महोदय, जन्म के समय बच्चों में बहरेपन की पहचान नहीं हो पाती है, जिससे आरंभिक अवस्था में इसका इलाज नहीं हो पाता। इस कारण वे पूरे जीवन भर मुख बधिर ही रहते हैं।
हालांकि कॉकलियर इम्प्लांट के रूप में इस समस्या का निदान संभव है। इस आवश्यकता को महसूस करते हुए हमारे पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री सहायता कोष के माध्यम से हमने 5,50,00,000 रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाकर 96 बच्चों को लाभान्वित किया गया था। मुख्यमंत्री सहायता कोष से अब तक 899 बच्चों हेतु 44,52,00,000 रुपये सहायता स्वीकृत की जा चुकी है। राजस्थान देश का अग्रणी राज्य है जहां पर सरकारी खर्च से कॉकलेयर इम्प्लांट 6,50,00,000 प्रति बच्चा खर्च होते हैं शुरू किए गए हैं। इस योजना को अब केंद्र सरकार द्वारा ही पूरे भारत में लागू किया गया है। अब हम अगली कड़ी में बाल्यकाल की प्रारंभिक अवस्था में हियरिंग स्क्रीन की अनिवार्यता हेतु नीति बनाकर लागू करेंगे। गत वर्ष हमारे द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रावासों को देय मेस भत्ते की राशि प्रति विद्यार्थी 2,000 से बढ़ा करके 2,500 रुपये प्रतिमाह की गई थी। इस वर्ष शेष अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, मानसिक विबंधित, पुनर्वाग्रह, वृद्धाश्रम, भिक्षावृत्ति वाले प्रस्तावित आवासीय संस्थानों में भी प्रति आवासीय ये राशि 2,500 रुपये प्रतिमाह की जाएगी। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से स्वरोजगार हेतु 25,000 युवाओं को ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। आगामी वर्ष इसकी संख्या बढ़ाते हुए 50,000 युवाओं को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर जिले के मसूदा एवं भरतपुर जिले के कामाक ब्लॉक में 41,60,00,000 रुपये की लागत से अल्पसंख्यक बालक बालिका आवासीय विद्यालय भवनों का निर्माण करवाया जाएगा। साथ ही जिला मुख्यालय नागौर, जिला मुख्यालय सवाईमाधोपुर एवं लाडनू नागौर में कुल 3 अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास भवनों का निर्माण करवाया जाएगा, जिस पर लगभग 7,20,00,000 रुपये खर्च होंगे। जिला मुख्यालय जयपुर में 100 सहयोग के अल्पसंख्यक बालक छात्रावास भवन का निर्माण कराया जाएगा, जिस पर 5,00,00,000 रुपये का व्यय होगा। राजस्थान वक्फ बोर्ड को सरकार द्वारा 5,00,00,000 की ग्रांट उपलब्ध करवाई जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, TSP एरिया के जनजाति युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से प्रतापगढ़, डूंगरपुर एवं उदयपुर में कौशल विकास केंद्र प्रारंभ किए जाएंगे। इन केंद्रों के माध्यम से चयनबद्ध रूप से 5,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और तथा 15,000 युवाओं को कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाएगा। TSP एरिया में खेरवाड़ा जिला उदयपुर, पारडा चुड़ावत जिला डूंगरपुर, पाडोली जिला बांसवाड़ा, टिम्बरवा जिला प्रतापगढ़, हनुतिया जिला बारा के जनजातीय आवासीय विद्यालयों की वर्तमान कुल छात्र क्षमता को 1,530 से बढ़ाकर 2,400 किया जाएगा। इसके लिए 10,00,00,000 रुपये खर्च किए जाएंगे। जनजाति क्षेत्र में संचालित सरकारी आवासीय विद्यालय और जनजाति छात्रावास के छात्रावास अधीक्षकों के लिए प्रत्यक्ष कैदे बनाया जाएगा। कुसुम योजना के तहत जनजातीय कृषकों को सोलर पंप स्थापना हेतु केंद्र राज्य सरकार द्वारा 30% अनुदान दिया जा रहा है। TSP क्षेत्र के जनजाति किसानों को उक्त योजना का लाभ दिलाने के लिए ऊर्जा विभाग से समन्वय स्थापित कर 45,000 रुपये प्रत्येक किसान को, कृषक को अनुदान के रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना के तहत चरणबद्ध रूप से 5,000 किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराए जाकर 22,50,00,000 रुपये का व्यय किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा वन भूमि पर निवास करने वाली जनजाति परिवारों को वन भूमि का अधिकार पत्र प्रदान किए गए हैं। इन परिवारों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने हेतु मुर्गी पालन, शॉर्टेज सीमेंट के माध्यम से कृत्रिम दवादान सेवाएं, बकरी पालन आदि हेतु सहायता प्रदान की जाएगी। इससे TSP एरिया के लगभग 14,000 परिवार लाभान्वित होंगे। इस पर 6,50,00,000 रुपये का व्यय होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा 14 संकल्प है सक्षम मजदूर, छात्र, युवा व जवान। राज्य के ऊर्जावान युवाओं व मेहनतकश मजदूरों के लिए 14 संकल्प के रूप में हमने आगामी वर्ष के लिए विस्तृत रूपरेखा बनाई है। हमारी विशेष कोशिश खेलों के क्षेत्र में राज्य को तेजी से आगे लाने की रहेगी। हाल ही में सम्पन्न हुए राज्य खेल प्रतियोगिता, जिसमें 18 खेलों के लगभग 8,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया, की तारीफ चारों ओर से हो रही है। पहली बार संपन्न हुए इन खेलों का नतीजा था कि असम में हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में राज्य का प्रदर्शन बेहतर हुआ है। खेलों के प्रति जागरूकता लाकर हम
फिट राजस्थान हिट राजस्थान के लक्ष्य की ओर एक कदम और बढ़ाएंगे। ग्राम स्तरीय खेल प्रतिभाओं की खोज कर आगे लाने के लिए राज्य खेलों की तर्ज पर हम ब्लॉक स्तरीय और जिला स्तरीय खेलों का आयोजन करेंगे, जिससे वर्ष 2022 में होने वाले राज्य खेल वर्ष को और अधिक सफल हो सकेंगे। इस हेतु 5 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा जाएगा। इस पर आयोजित राज्य खेलों में क्रिकेट और हैंडबॉल शामिल किए जा सके नहीं किए जा सके थे, अब इन खेलों के भी ब्लॉक जिला राज्य स्तरीय आयोजन कराए जाएंगे। मैं प्रदेश के खिलाड़ियों द्वारा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर वर्तमान में दी जा रही 75 लाख रुपये की इनामी राशि को बढ़ा करके 3 करोड़ रुपये, रजत पदक जीतने पर वर्तमान दी जा रही 50 लाख रुपये राशि बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये और कांस्य पदक जीतने पर वर्तमान दी जा रही राशि 30 लाख बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये करने की घोषणा करता हूँ। उसी तरह एशियन गेम्स कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने पर वर्तमान दी जा रही 30 लाख रुपये की राशि बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये करने की घोषणा करता हूँ। रजत पदक जीतने पर वर्तमान दी जा रही राशि 20 लाख बढ़ाकर 60 लाख करने की घोषणा करता हूँ और कांस्य पदक जीतने पर वर्तमान दी जा रही राशि 10 लाख बढ़ाकर 30 लाख करने की घोषणा करता हूँ। प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय खिलाड़ी तैयार करने के लिए संविधान पर विभिन्न खेलों के 500 कोच लगाए जाएंगे, इस पर लगभग 10 करोड़ रुपये सालाना व्यय होगा। राज्य खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले पर मिलने वाले दैनिक भत्ते की दरों को बढ़ाकर क्रमशः 500 रुपये से 1000 रुपये और 300 से 600 रुपये करने की घोषणा करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019 जारी की गई है। इसी क्रम में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 भी लागू की गई है। क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने की दृष्टि से अधिघोषित मोस्ट बैकवर्ड एरियाज में स्थापित होने वाले पात्र इकाइयों के लिए विशेष छूट का प्रावधान भी रखा जाएगा। प्रदेश में उद्योगों की सुगम स्थापना के लिए सभी अनुमतियां एक ही स्थान से प्रदान कराने के लिए हमारे द्वारा वर्ष 2011 में सिंगल विंडो एक्ट लागू किया गया था। इस एक्ट के अनुपालन को और प्रभावी बनाने के लिए वन स्टॉप शॉप प्रणाली स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रणाली में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का गठन किया जाएगा। ये बोर्ड निवेश प्रस्तावों संबंधी स्वीकृतियां प्रदान करने में सक्षम होगा। साथ ही प्रथम चरण में एकल खिड़की व्यवस्था के 14 विभागों के अधिकारियों को VIP में प्रतिनिधित्व किया जाएगा, जिससे निवेश प्रस्तावों को त्वरित क्लियरेंस मिल सकेगी। अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने एवं रोजगार सृजन में MSME उद्योगों की महती भूमिका है। राज्य में MSME की आसानी से स्थापना हेतु वर्ष 19 में नया एक्ट लेकर आए और पहले 3 सालों तक इन्हें समस्त सरकारी स्वीकृति और निरीक्षणों की बाध्यता से मुक्त किया गया। इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुलभ सुविधा उपलब्ध है, जिसके माध्यम से अब तक 3,339 उद्यमियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है और उनको तत्काल सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए हैं। राजस्थान ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है, इसके परिणाम काफ़ी उत्साहवर्धक रहे हैं। इसके अतिरिक्त उद्यमियों की सुविधा के लिए राज उद्योग मित्र पोर्टल प्रारंभ किया गया है। देश में हस्तशिल्प निर्यात के बड़े केंद्र जोधपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय निर्यात एक्सपो आयोजित किया जाएगा। इसके आयोजन में अनुमानित 3 करोड़ रुपये का होगा, जो रिको द्वारा बंद किया जाएगा। राज्य में औद्योगिक निवेश एवं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए रिको द्वारा अलवर चूरू सीकर जालोर टोंक बूंदी भरतपुर बांसवाड़ा एवं उदयपुर जिलों में नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी तथा दौसा एवं राजसमंद में रिको इकाई कार्यालय खोले जाएंगे। इसके अतिरिक्त हिंडौन जिला करौली गंगापुर जिला सवाईमाधोपुर में भी औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की संभावना तलाशी जाएगी एवं इन क्षेत्रों में स्थापित होने वाली इकाइयों को विशेष पैकेज दिया जाएगा। विशेष आर्थिक जोन क्षेत्र 2 सीतापुरा जयपुर में करीब 25,000 वर्ग फीट पर प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इस फैसिलिटीज में छोटे तथा अन्य उद्योगों को रेडी टू मूव बिल्ट अप एरिया उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वह अपनी इकाई
कम से कम समय में शुरू कर सकेंगे। प्रदेश के हस्तशिल्पियों, दस्तकारों एवं आयातकों निर्यातकों की सुविधा के लिए सरकार द्वारा संचालित हस्तशिल्प एम्पोरियम, इनलैंड कंटेनर डिपो और एयर कार्गो का आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण कराया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर जयपुर में खादी प्लाजा की स्थापना की जाएगी। इस पर 10 करोड़ रुपए की लागत आएगी। खादी वस्त्रों पर 50% की छूट देने से खादी संस्थाओं की आर्थिक स्थिति सुधरी है, इसलिए अब राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड एवं खादी और ग्रामोद्योग आयोग से वित्त पोषित राज्य की 144 खादी संस्थाओं समितियों के आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए सभी खादी संस्था समितियों के कार्यों के कंप्यूटर के लिए सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे वे अपने उत्पादों की अच्छी मार्केटिंग कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त बुनकर संघ का भी सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। इस हेतु लगभग 2 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में पारदर्शिता के साथ पेट्रोलियम खनिज, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में पारदर्शिता के साथ खान आवंटन करने के उद्देश्य से आगामी वर्ष कम से कम 2000 हेक्टेयर प्रधान खनिज एवं 1000 हेक्टेयर अप्रधान खनिज के ब्लॉक बनाकर ई ऑक्शन द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर में रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के निर्माण को समय पर पूरा कराने पर हमारी सरकार का फोकस है। इस परियोजना की कुल लागत 43,129 करोड़ है। इस हेतु गठित HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड कंपनी में HPCL की 74%, राजस्थान सरकार की 26% भागीदारी है। इस रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स से प्रदेश में रोजगार के